और इसीलिए ये गठबंधन, इसीलिए ये गठबंधन दो दलों का तो है, लेकिन ये विचारों का भी गठबंधन है। ये जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं उनका मिलन का भी ये गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आया, वो बदलाव तो आपने देखा। जब सपा और बसपा मिल गई तो उत्तर प्रदेश में कैसा बदलाव आया है आप जानते होंगे। एक मठ और एक बाबा जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, इनसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता। गठबंधन हुआ, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। गठबंधन हुआ, सीट खो दी। और एक और दूसरे जो अपने आप को कहते थे कि हम एक दूसरी सीट, और जो अपने आप को स्टार बैकवर्ड कहते थे, स्टार बैकवर्ड कहने को तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बार उस गलती से कुर्सी पे बैठ गए थे, दोबारा उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। ऐसे आपके स्टार बैकवर्ड हैं। इसलिए ये गठबंधन केवल विचार दलों का नहीं है, ये जनता का संगम है। और मैंने कई मौकों पर कहा यही गठबंधन है जो देश की राजनीति को दिशा देने वाला है। जो बात कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू हुई थी, अगर इतिहास के पन्ने हम पलटने और राजनीति के इतिहास के पन्ने अगर हम पलट करके देखें, ये वही गठबंधन है जो एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मिलकर के करना चाहते थे। दोनों मिलकर के एक साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन वही गठबंधन एक बार फिर बना था। उस समय नेताजी और स्वर्गीय काशीराम जी ने मिलकर के उस गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो सिद्धांत को ले जाना चाहते थे, उन्हीं सिद्धांतों को आदरणीय मायावती जी और हम समाजवादी लोगों ने मिलकर के जमीन पर उतारने का काम किया है।